इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां फल व्यापारी के साथ हुई लूट और मारपीट का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां अनीस अहमद के घर के सामने रहने वाले अदनान व उसके साथी तौहीद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, अदनान और तौहीद ने पुरानी खुन्नस को लेकर मारपीट के इरादे से घर में घुसे थे। लूट को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया कि शक ना हो कि किस कारण ये घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने चोरी लूट के 42,500 रुपये व घटना में इस्तेमाल किए गए सामानों को पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही गाड़ी व हेलमेट भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। वहीं पुलिस अब दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। ऐसे में घटना को अंजाम देने वाले अदनान और तौहीद को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कहना है SSP प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको। और 7 तारीख को थाना सागन क्षेत्र में एक फल व्यापारी के यहाँ से सूचना मिली कि उसे रॉड से उस पर हमला करके उसके घर से भारी मात्रा में कैश की लूट हो गई है। पहली जो जानकारी मिली थी उसमें 14 लाख रुपए कैश की लूट की बात आई थी। 7 शहरी पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें SP सिटी, SP क्राइम, CO सिटी फर्स्ट, हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें, सर्वलांस की टीमें और थाना सागंज की टीम इस घटना के अनावरण पे के लिए लग गई। और शुरुआती जब तहकीकात की गई, क्योंकि मजरूब हॉस्पिटल में थे तो बहुत ज़्यादा उनको जानकारी देने की स्थिति में नहीं थे, घर वाले भी बहुत क्लियर नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने अपने पैसे का हिसाब लगाया और कमरे में जो चीज़ें अनटच थी उनको जब चेक किया गया तो पता चला कि मेजर जो भी कैश था वो इंटैक्ट था। जो 14 लाख की बात थी वो सही नहीं निकली, जिसको घर वालों ने भी इस चीज़ को कबूल किया। हाँ, ये उन्होंने कहा कि छिटपुट पैसे अगर कहीं होंगे तो वो गए होंगे। वो लगभग 50,000 रुपये के आसपास उसकी जानकारी मिली। घटना के अनावरण के लिए जो टीमें लगी थीं, तमाम CCTV कैमरे तथा अन्य स्रोतों से मैनुअल तरीके से इसकी छानबीन की जा रही थी और इसमें टीम को सफलता मिली। 2 अपराधी जिन्होंने इस घटना को अपनी पहचान छुपाने के लिए तमाम उपाय करते हुए इस घटना को अंजाम दिया था, वो दोनों अभियुक्त पकड़े गए। एक अभियुक्त जो कुर्ता पैजामा और नकाब के साथ साथ हेलमेट लगा के, और एक अभियुक्त जिसने बुर्का पहन रखा था, इन दोनों का उद्देश्य था कि ये अपनी आइडेंटिटी छुपा लें। घटना के पीछे की मोटिव जब पता की गई तो ये पता चला कि प्राइमरी मोटिव जो मजरूब है उनकी पिटाई करने का था, उनको घायल करने का था और घटना को लूट के तरफ डाइवर्ट करने का था कि लूट के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो चीज़ें फैलाई गईं वो भी इसी उद्देश्य से। साथ ही साथ इन्होंने जो अपने प्राइमरी प्रयास में इनको जितना मिला, जैसे मैंने बताया कि 50,000 नकद इनको मिला, वो लेके वहाँ से ये चल दिए। और उसके बाद ये दोनों अभियुक्त हैं, उनकी पहचान हुई जो मुख्य अभियुक्त और प्लानर के सामने रहता था और पूर्व में इनके यहाँ आके इनके बच्चों को पढ़ाया भी था। पिछले लगभग 1.5 साल से इनके संबंध, जो अभियुक्त है उसको ऐसा लगता था कि इनसे खराब हो गए थे। रिश्तेदारियाँ जो होने वाली थी, शादी होने वाली थी, उसमें उसको ऐसा दिमाग में उसके था कि मजरूह के चलते वो शादी टूट गई तथा अन्य छोटे मोटे उसकी आशंकाएं थी, उसी से वो मोटिवेट होकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसका सहयोग, उसके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जिसका नाम तौहीद है, उसने इस घटना में उसको उसका सहयोग दिया। स्कूटी, 42,500 कैश, रॉड, चाकू भी ये साथ में ले गए थे वो, हेलमेट जो बुर्का पहन के इन्होंने घटना को अंजाम दिया, नकाब, सारी चीज़ें जो है पुलिस द्वारा रिकवर कर ली गई हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधि कार्रवाई इसमें कचरी। संगम नगरी प्रयागराज, सैनिक कोई भी हो अपनी एक ऐसी कहानी छोड़ जाता है जिसे हर कोई याद करता है। वीर अब्दुल हमीद भारत के ऐसे सूरवीर में से एक थे जिनके बलिदान की कहानी आज हमें प्रेरणा देती है। वीर अब्दुल हमीद यूपी के अकेले ऐसे शहीद हैं जिन्होंने सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। आज उनकी 53वीं
शहादत दिवस है। 1965 के युद्ध का जिक्र आता है, वीर अब्दुल हमीद जिक्र ज़रूर आता है। भारत के इस वीर सपूत ने अपनी वीरता के बल पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया था। महज 32 साल की उम्र में इस नौजवान ने पाकिस्तान में हुए युद्ध में ऐसी कमर तोड़ी थी कि पाकिस्तान की कमर आज तक टूटी दिखती है। संगम नगरी प्रयागराज में आज वीर अब्दुल हमीद के बलिदान दिवस पर किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ, तो वहीं सेवी मोहम्मद जाहिद अपनी साइकिल पर वीर अब्दुल हमीद व लाल बहादुर शास्त्री की फोटो का पोस्टर लगाए सड़कों पर साइकिल चलाकर घूमते दिखाई दिए और साथ ही उन्होंने वीर अब्दुल हमीद को साइकिल चलाकर श्रद्धांजलि दी। वीर अब्दुल हमीद की फोटो लगा के सड़कों पे घूम रहे हैं, किस लिए घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद। पहले मैं कहता हूँ भारत को शुभकामनाएं वीरों को मैं देना चाहता हूँ। जो 1962 में जंग हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में जंग होने के बाद वीर अब्दुल हमीद ने 5 टैंक तोड़ा था और पाकिस्तानियों को मुँह तोड़ जवाब दिया था। आज हमारी एकता भारत में जाग रही है, मगर आज इंसान नहीं जाग रहा है वीर अब्दुल हमीद की शहादत पर। मैं जागरूक करता रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के एकता की मैं पहचान बताता हूँ। हम एक हैं, धरती माँ की औलाद हैं। हम जनता को बताना चाहते हैं, आज शहादत दिवस है, आज शहादत दिवस लोग याद नहीं करते, तरह तरह की राजनीतिक बातें करते रहते हैं। हमारी एकता सबसे बड़ी पहचान है, वीरों की सबसे बड़ी पहचान है। जो हिंदुस्तान में हमारे वीर शहीद होने हैं उनको याद नहीं करते। मोहम्मद जाहिद, समाज सेवी। संगम नगरी प्रयागराज में आत्महत्या रोकथाम दिवस को ध्यान में रखते हुए आज पीवीआर मॉल में नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ईशान्या राज एवं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी मुहिम रही क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीवीआर विनायक सिटी सेंटर के प्रांगण में एक शिविर लगाया गया, जहाँ लीगल एक्सपर्ट मोहम्मद हसन जैदी, जोनल जस्टिस बोर्ड जज सुश्री शालिनी, सिविल जज हाईकोर्ट की उपस्थित रही, जिन्होंने मेंटल हेल्थ केयर के बारे में लोगों को जानकारी थी। साथ ही इस मौके पर एडिशनल सीएमओ वीके मिश्रा व एसआईसी इंदु कनौजिया भी मौजूद रहे। आज विश्व जो है सुसाइड प्रिवेंशन डे है, इसी के मतलब उसमें जो है परिप्रेक्ष्य में इस आयोजन किया गया है, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और आत्महत्या जो लोग उनके साथी हैं, जो लोग उनके रिश्तेदार हैं, जो लोग उनके काम करने वाले हैं, साथ रहने वाले हैं, कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम होते हैं जो ये देख के बता सकते हैं कि अब इस व्यक्ति में नेगेटिविटी बहुत आ गई है, तो अब इसमें प्रवृत्ति आत्महत्या की हो सकती है। ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है, इसीलिए ये एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें कि डॉक्टर ईशान्या राज हमारी जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बाकी हमारी जुडिशरी से लोग हैं, बाकी हमारे लोग हैं। और उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये और ब्रॉडर स्केल पे और बड़े स्केल पे ये चीज़ें प्रसारित हो जाएंगी कि आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। यदि हिम्मत करे इंसान तो उसमें जो है बहुत कुछ चीज़ों में संभावना हो जाती है। इसमें दो लाइन में कहना चाहूँगा, अपनी जो नज़रें होती हैं, कमाले बुजदिली है गिरना अपनी आँखों में, जरा सा हौसलेस क्या कुछ हो नहीं सकता। तो हौसला करिए और ज़िंदगी जिए, ना कि सोसाइटी को अपने पास ले आइए। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, और बहुत ही अच्छा एक ये एक थीम पे हमने आज हम लोगों ने आज डॉक्टर ईशान्या के मिशन पे ये काम किया, और लगातार इनके इस पे इस इशूज़ पे, इस सुसाइड जैसे इशूज़ पे हम अवेयर करें लोगों को कि सुसाइड के जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं और उस मेंटल स्ट्रेस से किस तरह से बाहर लाया जा सके, आशा को जो जहां अंत हो रही है उस आशा को कैसे बरकरार रखें, इस विषय पे हम लोगों ने काम किया, और एक बहुत ही अच्छा विषय था काम करने के लिए, जिसकी बहुत अत्यंत आवश्यकता थी। हम लोगों ने बच्चों की जो ये चीज़ें बढ़ रही हैं उसको रोकने के लिए, अवेयरनेस के लिए कुछ चीज़ें ऐसी बताएं जिससे बच्चों को एक अंदर से हिम्मत मिले,
मतलब मेंटल हेल्थ पे बात हो रही थी, तो मेंटल हेल्थ खुद की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल हेल्थ जो डिस्ट्रॉय होती है वो अपने पे स्वयं पे भी बहुत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वही फैक्टर हम लोग ने बताए कि आप उन चीज़ों को कम कर सकते हैं, आप अपना खुद अपने अंदर से आप अपने को खुद जज कर सकते हैं, अपना ये देख सकते हैं कि आप क्यों जो है दिमाग के मेंटल हेल्थ आपकी क्यों कमज़ोर पड़ रही है। तो कुछ ऐसी बातें बताएं जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगी। तो उनकी जैसे स्टडी है, उनकी रूटीन लाइफ स्टाइल है, उनको अपने काम करने का ढंग है, या उनको कब क्या करना चाहिए, या उनको कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अफेक्ट कर रही है, उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है, उन चीज़ों से आप दूर हो जाइए। आज से भी आप अपनी चीज़ों को आज सेटअप जो है एक रूटीन में एक अच्छे लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपने को कहीं अच्छी चीज़ों में लगा के जो आपको पसंद हो वो करके आप अभी भी अपनी मेंटल हेल्थ को सही कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाना सबसे लास्ट में होता है। पहले मेंटल हेल्थ सीख करने के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, पहले आप उसका जजमेंट करिए। यही बहुत सारी बातें हम लोगों ने सबने बताई कि आप किस तरीके से अपने को एक हेल्दी माइंड लेके आप अपने को रख सकते हैं, जिससे आपके पढ़ाई, आपके जॉब, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपके हर चीज़ पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस आंकड़ों की बात करें तो अभी रिसेंट का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 का आंकड़ा है, जिसमें बताया गया है कि 2021 में कुल 164,033 लोगों ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया है, यानी 449 लोग प्रतिदिन, जिसका अर्थ हुआ कि हर 192 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्थिति कितनी गंभीर है, और आत्महत्या तो सीवियर रिएक्शन है जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो इसी को ध्यान रखते हुए इस बार का जो सुसाइड प्रिवेंशन डे का थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, उसको हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में इस तरह के तरीके से समाहित किया है कि आज हम सब युवा यहाँ पे एक एक्शन मतलब एक कार्य कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि हम अपने युवा वर्ग को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए अवेयर करें, और उनके अंदर जो स्टिग्मा है, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो हमारे पास आने से हिचकते हैं। देखा गया है आंकड़ों में सुसाइड के कि युवा वर्ग ही हैं जो सबसे ज़्यादा आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। तो अगर हम युवा ही इसके बारे में बात करना शुरू करें, मेंटल जो दिक्कतें हैं उसको शारीरिक परेशानियों की तरह ही नॉर्मलाइज करें, तो कहीं ना कहीं हम आत्महत्या जैसे जो चीज़ें हैं उसको रोक सकते हैं। इसके लिए हमें नॉर्मलाइज करना है कि मेंटल हेल्थ जो है वो जैसे फिजिकल हेल्थ है वैसे ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ये ट्रीटेबल है। आपको जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं आंकड़े के बारे में, मैं यही कहूंगी कि आंकड़े का दर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ रहे हैं। बहुत से लोग हिचकते हैं कि मानसिक परेशानियां हैं तो नहीं, लोग क्या बोलेंगे अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो लोग मुझे गलत नज़रों से देखेंगे या लोग ये सोचेंगे मैं कमज़ोर हूँ। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में वही बात करता है जो अंदर से बहुत हिम्मती होता है। तो हम सब यहाँ एकजुट आज इसीलिए हैं कि हम लोगों के अंदर वो हिम्मत दें कि अगर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, हम इसको सोशली प्रमोट कर सकते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं इसके बारे में बात करने में सक्षम हैं और आप इन परेशानियों को सामने लेकर के आ सकते हैं। देखिए डिप्रेशन तब होता है जब सोच में बहुत नकारात्मकता आ जाती है, और सोच जो है वो डायरेक्टली हमारे भावनाओं को और हमारे व्यवहार को अफेक्ट करता है। तो सोच का नकारात्मकता कहीं ना कहीं इमोशंस को निगेटिव करता है और बिहेवियरली हम निगेटिव होते हैं, और जब ये सीवियर हो जाता है तब डिप्रेसिव एपिसोड में व्यक्ति अपने आप को चोट पहुँचाता है। छात्र जो है उस समय अपने पेन को ख़त्म करना चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ या मेरा कुछ ऐसा छूट गया, मुझे बहुत ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं मिली, तो उस पेन को ख़त्म करने के लिए वो क्या रास्ता अपनाते हैं, वो अपने आप को ख़त्म करने लगते हैं। तो हम यहाँ पे यही मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप दुविधा में हैं, परेशानी या दर्द में हैं, तो आपको खुद को ख़त्म करने का वो रास्ता कोई नहीं है, बल्कि आप अपने पेन को ख़त्म कीजिए। आप मनोवैज्ञानिक से सहारा ले सकते हैं, आप मनोचिकित्सक से सहारा ले सकते हैं। अर्थ सिर्फ इतना है कि टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन आप मत अपनाइए।
युवा भटक इसलिए रहा है क्योंकि वो बचपन से अब चीज़ें बदल गई। पहले आत्महत्याएं कम होती थी लेकिन अब ज़्यादा हो रही है। उसके पीछे पूरा जिम्मेदार माता और पिता हैं। बच्चों को इस प्रकार का संस्कार दें कि उनके मन में यह विचार ही नहीं आना चाहिए आत्महत्या का। पहले के लोग आत्महत्या नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था, महापुरुषों की कहानी सुनते थे और उनके अंदर वो गुण आ जाते थे। तो हम अपने बच्चों को महापुरुषों की कहानी बताएं, उनको पता चले कि विवेकानंद नाम के भी कोई चीज़ थे, शिवाजी नाम के भी कोई चीज़ थे। जब वो ऐसे सुसाइड की ही घटनाएँ सुनते हैं, सीरियल और पिक्चर देखते हैं, तो उसी माध्यम को वो अपनाते हुए अपनी जान देते हैं। मेरा नाम अभिनव शर्मा है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे जहां शिवपाल यादव ने आज प्रेस वार्ता की है। साथ ही उनके साथ मंडल प्रभारी लल्लन राय भी मौजूद रहे। साथ ही लल्लन राय ने उनकी जमीन पर कब्जा करने की बात कहते हुए सुरेंद्र चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही लल्लन राय ने बताया कि किस तरह से उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है। तो इस मौके पर शिवपाल यादव ने भी कहा कि वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि किस तरह से यहां जमीन कब्जा की जा रही है और इन पर किस तरह की कार्रवाई और कब होगी। और साथ ही प्रेस वार्ता करते हुए सुरेंद्र चौधरी पर आरोप लगाया है कि वो जमीन कब्जा शुरू कर रहे हैं लल्लन राय की। ऐसे में क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आप। सुरेंद्र चौधरी इनकी जगह पर कब्जा कर रहे हैं। वैसे तो मैं सब डीएम वगैरह सबसे तो कह चुका हूँ, अब मैं सीधा मुख्यमंत्री से बात करूँगा। इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि भाई जब बुलडोजर चल रहा है, कब्जे करने वालों पर बुलडोजर चल रहा है, इस पर चल रहा है, तो हम पूछेंगे मुख्यमंत्री से बात करेंगे भाई यहाँ जब कब्जे करने वाले लोग उन पर कब कार्रवाई, कब खाली कर। मतलब भाजपा के लोग हाँ कर दिए, उनके बारे में हम। सुरेंद्र चौधरी हैं, MLC हैं भारतीय जनता पार्टी के, विश्वविद्यालय में रहे हैं और वहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि दलित कोटे में जो है उनको MLC बनाया है। केशव मौर्या जी के शिष्य हैं और ये देखिए मेन गेट पे जो है ये 6 बेली रोड है, ये हमारे पिता की माता की पूरी हमारी संपत्ति है पीछे तक। इसमें कुल 12 फ्लैट हैं जिसमें एक फ्लैट में रहते हैं वो, एक फ्लैट में जिसमें रहते हैं। ए बंद करो यार। नगरी प्रयागराज में जहां शिवपाल यादव और लल्लन राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MLC सुरेंद्र चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने फ्लैट कब्जा करने का भी आरोप लगाया था। ऐसे में सुरेंद्र चौधरी ने अब सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जब फ्लैट कोई कब्जा नहीं करा है ज़मीन, बस उन्होंने गेट लगवा कर फ्लैट के आगे एक बोर्ड लगवाया है जिससे लोगों को पता चल सके कि मेरा आवास यहाँ पर है। और साथ ही सुरेंद्र चौधरी ने ये भी कहा कि उनको भगवा से तकलीफ है क्योंकि मैंने भगवा कलर पर बोर्ड लगवाया है। क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं। ये बताइए, आज आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा है, कई प्रॉपर्टी आपने कब्जा किया, ऐसा आरोप लगा है, क्या कहेंगे? आज कल एक खबर मैंने देखा क्या आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, शिवपाल चाचा ने कुछ बोला है कि सुरेंद्र चौधरी लल्लन राय का मकान कब्जा कर लिए हैं और कहीं जमीन कब्जा कर लिए हैं, इन्होंने यह बात कहा। मैं पहली बात इनको यह बताना चाहता हूँ, आप अभी जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए होंगे वहाँ एक गेट लगा हुआ है सुरेंद्र चौधरी विधान परिषद का, वही गेट लल्लन राय को चिढ़ है, वो भगवा सोच चिढ़ते हैं। उन्होंने पहले भी कहा था इसमें ब्लैक लगा दो, भगवा मत लगाइए, हमने भगवा लिख के अपना आवास लिख दिया, इसलिए उनको टेंशन हो गया। गेट से सटा हुआ बगल में उनका मकान है, वो चाहे तो अपने माँ बाप के बड़ा के गेट लगा सकते हैं और उसी को अपना मकान बता रहे हैं कि सुरेंद्र चौधरी ने कब्जा कर लिया। अब आप सोचिए, उन्होंने फ्रंट पे रोड है, फ्रंट पे हैं, मेरा घर 70 मीटर अंदर है, अगर मैं अपना गेट नहीं लगवाऊंगा, अपना बताऊंगा नहीं कि मैं कहाँ रहता हूं, तो आने वाले जो जनता दर्शन करता हूं कहाँ जाएगी, और वो निराधार है। अगर वो कह रहे मेरे नाम पर नहीं तो उसका जाँच करा ले, मेरे नाम पर है, ऊपर है, नीचे है, मेरा है। अगर उन्होंने ये फ्लैट बना के बेचा है तो पहली बात इसकी चौड़ीकरण का रास्ता होना चाहिए, 16 फीट का रोड भी नहीं है, अवैध रूप से इन्होंने बना के दिया भी है, हम लोग लिए भी है, तो इनमें चिड़ होता है। अगर जो यहाँ बगल में लोग रह रहे हैं उनको अगर यह टेंशन होता कि बोर्ड में नाम गलत लिखा है या कुछ है, तब तो माना जाता। और रही सवाल ये जो ज़मीन की बात कर रहे हैं, ज़मीन में पीछे लिया हूँ, जिसका ज़मीन है उसको इन्होंने बता दें किसका 165 करोड़ का कौन कब्जा कर लेता है। अगर ऐसा होता है तो मेरा पहले बुलडोजर खड़ा करा लें, मेरा मकान द्वार सब गिरे, मगर यह शर्त रहे
कि आदरणीय शिवपाल जी इतने छोटा से कार्य के लिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे हैं, लल्ला राय के बारे में कौन नहीं जानता है क्या है, उनको शर्म लगनी चाहिए। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं जो, ये बहुत गलत बात, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। अब अगर आप इनके खिलाफ, ये आपके खिलाफ, तो इनके खिलाफ तमाम ऐसी बातें हैं कि आपके 5476 में फंसाने का प्रयास करेंगे। तो अगर SC ST में हमारे कार्यकर्ता है, अब इन्होंने उनके एप्लीकेशन दिया था, चूंकि मैंने बोर्ड लगाया था ये निकालने जा रहे थे, तो ऐसे लोग इनके, इनसे बचने के लिए कुछ करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। मैं दलित हूँ, इनको दलित बैकवर्ड से चिड़े, लल्ला राय जी को, आदरणीय शिवपाल जी को, इनको दलित बैकवर्ड से बहुत चिड़ है। ये भगवा से नफरत करते हैं, भगवा बोर्ड से इनको टेंशन है। बाकी अगर कोई आरोप लगा रहे, मैं इनके खिलाफ मानहान का दावा भी करूंगा। कोई भी कह दे कि एक बीता जमीन में कहीं कब्जा किया हूं, तो मैं अपने राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मैं कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी स्वच्छ पूर्वक ईमानदारी करे। बोले बोल सू ये मैं चलनिया 72 क्षेत्र अपना तो संभाल नहीं पा रहे, इनके ऊपर थोड़ा आरोप है, ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाने आए हैं। खुद अपने गिराबंद में झाड़ के देखें कि क्या करते हैं। तो ये मुंगेरी लाल के सपना और किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बेहद गलत बात है, इसका मैं जोरदार खंडन करता हूँ, निंदा करता हूँ। सुधारें अपने आप को। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब शिवपाल यादव और लल्लन राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुरेंद्र चौधरी पर जमीन कब्जा करने व कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद सुरेंद्र चौधरी के समर्थन में निकले उनके समर्थक व कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। लल्लन राय के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की गई, साथ ही उनका आरोप था कि झूठे आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने समर्थकों को शांत कराया और जमकर शिवपाल मुर्दाबाद के नारे लगे और भाजपा जिंदाबाद के भी नारे लगे। ऐसे में यहां पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जय मुर्दाबाद, 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 जय मुर्दाबाद, 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 जय पार्टी जिंदाबाद, 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 जैसे मरिया जिंदाबाद, 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 संगम नगरी प्रयागराज में जहां बीते दिनों मुट्ठीगंज के हटिया क्षेत्र में जर्जर मकान का बारजा गिर जाने से बारिश के दौरान 4 लोग की मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद अब प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए मुट्ठीगंज के हटिया क्षेत्र में CO3 के मौजूदगी में आज नगर निगम की टीम यहां पहुंची और जर्जर मकान के बारजे पर कार्रवाई की गई। साथ ही यहां से जर्जर मकान के बारजे को बुलडोज़र के द्वारा नगर निगम ने हटाया। बता दें इस मौके पर नगर निगम की टीम व भारी पुलिस बल भी तैनात थी, जहां बुलडोज़र ने जर्जर मकान के बारजे को पूरी तरह से हटा दिया है, जिससे कि कोई अप्रिय घटना फिर से ना हो। आज नगर निगम की टीम मुट्ठीगंज के हटिया इलाके में पहुंची थी, जहां पिछले दिनों जर्जर मकान के बारजे से कई लोग की मौत हुई थी, जिसके बाद आज यहां जर्जर मकान पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर के द्वारा बारजा हटाया गया। नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब दारागंज थाने में वकीलों ने धरने पर बैठ गए। बता दें दारागंज के अंतर्गत मकान बनाने के विवाद में पुलिस और वकील आमने सामने आ गए और तीखी नोकझोंक हुई। दारागंज थाने में भारी संख्या में अधिवक्ता पहुंचे और धरने पर बैठ गए। अंदर धरने बैठने के बाद मौके पहुंची CO5 आस्था जायसवाल, जहां वकीलों को समझाने की कोशिश की। बता दें मौके पर कई थाने की फोर्स भी पहुंची और बता दें यहां पर जमकर बवाल हुआ और वकील अपनी मांग पर अड़े रहे। ऐसे में CO और वकीलों के बीच में तीखी नोक झोंक होती रही। बता दें मामला मकान बनाने को लेकर हुआ है और ये मामला दारागंज क्षेत्र का है, जहाँ पर आज वकील पहुंचे और दारागंज थाने में धरने पर बैठ गए और देर रात तक यहाँ नोक झोंक थाने में होती रही। आप CO हैं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, आपको कहते हैं हमने कहा मैडम को नहीं, आप वीरेंद्र मिश्रा जी ही, वीरेंद्र मिश्रा जी ही मेरे पक्ष में हैं, आप तो दोनों पक्ष का, मैंने कहा एक हमारी लड़ाई का एक पक्ष है, दारागंज से है क्या करने गए गुरु मैं, तो हमारी लड़ाई वीरेंद्र इंस्पेक्टर दारागंज से है, उन्हें पूछिए पार्टी है हमारे बाल से संबंधित हो गया, हाँ वही हमारे बाल के अध्यक्ष मंत्री जी ने बदतमीजी किया है।
प्रयागराज के मेहराबाद इलाके में मोहक हॉस्पिटल के ठीक सामने ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लंबी लंबी लपटें निकलने लगी। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग बुझाने के प्रयास कर रही है। राहगीरों के अनुसार शॉर्ट सर्किट से अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास बने मकान के लोग भी डर सताने लगा कि आग पर काबू नहीं पाया गया तो आग फैल सकती है। इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को तो दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। बता दें, जहां मोहक हॉस्पिटल के सामने एक ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई और आग में देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। वहीं आग की लपटें तेज होती रही और लोग खड़े रहे और आसपास के लोग खतरा सता रहे। वहीं ट्रांसफार्मर में आग तेजी से बढ़ती गई। वहीं मौके पहुंची फायर ब्रिगेड। प्रयागराज पहुंचे शिवपाल यादव ने प्रसपा कार्यालय का झूसी में उद्घाटन किया तो साथ ही अखिलेश यादव से नाराज दिखाई दी। जब पत्रकारों ने पूछा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि मायावती बीजेपी को मदद पहुंचा रही हैं तो उन्होंने कुछ बोलने से इनकार किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अब समाजवादी से कभी समझौता नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं। मैंने कहा कि अखिलेश जी ने कहा है कि मायावती पर हमला बोला, क्या मायावती और बीएसपी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं, मायावती अपनी बनाई जेल में कैद है और पार्टी हार रही, उनका ये कहना अखिलेश जी का, क्योंकि मायावती जो है वो बीजेपी की मदद और जेलर दिल्ली में बैठा है। देखिए, हमें इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब वो अखिलेश की बात है तो उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। भतीजा कुछ बोलेगा, चाचा कुछ नहीं बोलेंगे, तो और बातें पूछ लीजिए। नहीं, तो हार की असली वजह क्या है? अगर ये मायावती नहीं है, मायावती बीजेपी से नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी लगातार हार क्यों रही है? तो ये तो अखिलेश को पूछिए, अखिलेश को पूछिए, हमको क्यों पूछ रहे हैं? चुनाव में आप चुनाव में आप साथ नहीं है, पार्टी आपकी जरूरी है लेकिन जितवाने में तो आपका योगदान रहा है। देखिए, हम अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन को मजबूत कर रहे हैं और 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे। अगर वो अपने जो पार्टी की कमियां देख लेते, सब देख लेते, टिकटों का बंटवारा ठीक कर लेते तो इस समय सरकार में होते, इतना मैं कह सकता हूँ। अच्छा, ललन राय जी आपके बहुत ही सहयोगी हैं, यहाँ मंडल के प्रभारी हैं, अभी आपने नाम नहीं लिया लेकिन एक बात उठाई है कि आप सीएम से कहेंगे कौन विधायक है जो प्रताड़ित कर रहा है, कौन कब्जा कर रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, सब लोग जानते हैं, एमएलसी है, भारतीय जनता पार्टी का है सुरेंद्र चौधरी, वो कब्जा कर रहा है। इंजीनियर को मारा भी था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सीएम से कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, लिख करके भी देंगे। तो क्या मायावती और बीजेपी वास्तव में मिले हुए हैं क्या, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं क्या? आपको सब पता है, आपको सब पता है, मोइन भाई आपको वही तो बता रहे हैं, आपको सब पता है। अखिलेश यादव कौन क्या मिला है सब पता है। अखिलेश यादव डिप्टी सीएम को ऑफर कर रहे हैं सीएम बनने का, तो देखिए अगर चाचा से पूछा होता, चाचा की बात कही होती तो हम जवाब देते। तो आप देंगे नहीं समर्थन उनके साथ, भतीजे के साथ? देखिए, हम आप समाजवादी पार्टी से हमारी बहुत दूरियां हैं, हम समाजवादी पार्टी से कभी अब समझौता नहीं करेंगे, इतना कह सकता हूं। अच्छा, 24 में कैसे लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे या किसके साथ लड़ेंगे आप? अगर तो बूथ दूर है, समय दूर है। अच्छा, उसके पहले निकाय चुनाव आप देखते जाइए कैसे गठबंधन होता है, कैसे। लेकिन हम इतना चाहते हैं अपने संगठन के बल पर 2024 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में होगी। अच्छा, क्या बीजेपी से भी समझौता हो सकता है आपका? अब ये तो समय बताएगा कौन किससे समझौता। इनकार नहीं है, नीतीश कुमार जो है वो पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, आपसे भी कोई संपर्क किया क्या, या आप संपर्क करेंगे क्या उन लोगों से जो केंद्र के खिलाफ? अब देखते जाइए, उनसे हम बात करेंगे, किन से वो करेंगे, अब तो ये सब क्लियर हो जाएगा, समय आने पर सब क्लियर हो। निकाय चुनाव आने वाले हैं क्या उसके? निकाय चुनाव पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, पार्षद का भी लड़ेगी, मेयर का भी लड़ेगी, नगर पालिका चेयरमैन का लड़ेगी, सभी जगह लड़ेगी। और हमने सभी अपने जिला अध्यक्षों को अभी मीटिंग बुला ली है,
16 तारीख को सभी को निर्देश मिले। कानून व्यवस्था होने तक क्या कहेंगे? आपने कहा कि पार्टी से सहयोगी दल एक एक कर अलग क्यों होते जा रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप? सारे अलग हो गए हैं। अगर सबको जोड़ लिए होते तब तो फिर सरकार में ही होते हैं। और हम तो अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में सबको जोड़े। अच्छा, सबको जोड़े। ओपी राजभर पर आरोप है कि उन्होंने 6 करोड़ में टिकट अब्बास अंसारी को बेचा था और अब्बास अंसारी की करीबी जो है पूरी समाजवादी पार्टी को तबाह कर देगी। अब उनके पास रिकॉर्ड होगा, जो बोल रहे उन्हीं से पूछो। नहीं, उन्हीं से पूछो ना, हमारे साथ तो थे नहीं वो। आपने कहा कि सीएम की कोई सुन नहीं रहा है, अधिकारी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वो चिल्ला रहे लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। देखिए, नौकरशाही कभी भी नहीं, ये तो मैं कह रहा। भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, अधिकारी कर्मचारी कोई सुन नहीं रहे हैं, पीड़ित जनता जाती है। और यहाँ तक कि देखिए, सत्ता पक्ष के भी यहाँ तक कि मंत्री सिफारिश करते हैं तब भी रिश्वत ले ली जाती है, जैसा कभी मैंने नहीं देखा। कानून व्यवस्था, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? आजकल बच्चे चोर बहुत निकले हैं। में सब सामूहिक हत्याएं 5 हो गई हैं, इससे क्या कहना चाहिए? पूरे प्रदेश में हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, लूट की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और महिलाओं पर उत्पीड़न होता चला जा रहा है, रेप जैसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो देखिए, नहीं सुधार पा रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।